लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रभु, आप देवराज इंद्र के दिए दिव्य बाण का प्रयोग क्यों नहीं करते? ब्रह्मदेव के दिव्य बाण के सामने रावण की शक्ति नहीं टिकेगी प्रभु। हाँ मातली, परंतु उन बाणों का प्रयोग करने का अवसर हमें अब तक मिला नहीं था। रावण की दिव्य शक्तियों को समाप्त करने के लिए हमें उन बाणों का प्रयोग अब करना ही होगा। राम, तुम हमारे शत्रु इंद्र के दिव्य बाणों से हमारी शक्ति को बढ़ा रहे हो। अब देखो हमारी माया का चमत्कार। Thank you.
क्या रहा देवर्षि, जब ब्रह्मदेव ने दशानन की वरदानी शक्ति उसके 10 सिरों तक ही सीमित कर दी थी, फिर रावण का ये विकट मायावी रूप कैसे प्रकट हो रहा है? यही दशानन का चमत्कार है देवराज। 10 मस्तक वाले रावण की बुद्धि भी 10 गुणी हो गई है और इसी बुद्धि के कारण वो अविश्वसनीय चमत्कार कर पा रहा है। परंतु श्री राम भी शीघ्र ही इस दुष्ट का संहार कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु देवर्षि, श्री राम ने वीर हनुमान को भी अपने वचन में बांध लिया है। वो देखिए देवर्षि, लंकेश्वर विभीषण भी श्री राम के पास आ रहे हैं। प्रभु, प्रभु, तपस्या के प्रभाव से रावण ने अपने प्राण शक्ति को अपने नाभि में समेट लिया है। जब तक आप उस शक्ति को खंडित नहीं करेंगे, रावण का अंत नहीं होगा। मैं समझ गया विभीषण जी, अमृत कुंभ रावण की नाभि में है और ये अमृत कुंभ देवराज इंद्र के दिए गए बाणों से ही खंडित हो सकता है। अरे भैया, विभीषण, रात्रद्रोही विभीषण,